C-I-E-T-N-C-E-R-T -E presents Dictionary of Economics for Schools Trilingual Arthashastra ka shabd kosh Vidyalayon ke liye Tribhashi Maashiyat ki Lughat Skoolon ke liye Index Q Quantity Theory of Money Page 119 Quartile Page 119 Quasi-Rent page 120 quid pro quo page 120 quota page 120 let's begin with alphabet q page 119 q quantity theory of money a theory of demand for money which postulates that people demand money on basis of their nominal increase or money value of incomes the early versions of QTM were not theories of money demand, but simply showed equality between total stock of money in the economy and money value of transaction or income. Thus, MV is equal to PT or MV is equal to PY, where M is equal to stock of money, V is equal to velocity of circulation, P is equal to price level t is equal to transactions and y is equal to output or income if v and y are fixed then qtm implies that a rise in money supply would lead to a proportional increase in the price level as a theory of money demand qtm states that amount of money an individual wishes to keep in proportionate to his or her income इफ एम बी इज इक्वल टू पीवाई देन एम इज इक्वल टू के पीवाई वेर के इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वी एंड मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी वाय मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है जो अभी ग्रहित करता है कि लोग अपनी आय में मौद्रिक वृद्धि के आधार पर मुद्रा की मांग करते हैं इस सिद्धांत के पूर्व संस्करण वास्तव में मुद्रा की मांग के सिद्धांत नहीं थे बल्कि उनके द्वारा मात्र अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कुल स्टॉक तथा आय या सौदों के मौद्रिक मूल्य में समानता दर्शाई गई थी एम वी बराबर पीटी या एम वी बराबर पी वाई जहाँ एम मुद्रा का स्टॉक है वी मुद्रा की चलन गति है टी सौदे और वाय है उत्पादन या आय यदि वी तथा वाय स्थिर हैं तो क्यू के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में आनुपातिक वृद्धि होगी मुद्रा की मांग के सिद्धांत के तौर पर क्यू के अनुसार मुद्रा की मात्रा जो एक व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है उसकी आय का एक अनुपात होती है यदि एम वी पी वाई के बराबर है तो एम के पी वाई के बराबर है जहां के एक बटा वी के बराबर है तथा मुद्रा की मांग के पी वाई के बराबर है जर का मकदारी नजरिया ये जर की मांग का नजरिया है जो ये बताता है कि लोग अपनी आमदनी की कदर जर में इजाफे की बुनियाद पर पैसे या जर की मांग करते हैं क्यू टी एम का पहला नज़रिया जर की मांग से मुतालिक नहीं था बल्कि ये किसी मैशियत में ज़र के कुल स्टॉक और जर मुबादले की कदर या आमदनी के दरमियान मसावत ज़ाहिर करता था इस तरह एम वी बराबर पी टी या एम वी बराबर पी वाई होता है जहां एम बराबर जर का स्टॉक वी बराबर गर्दिश ज़र की रफ्तार पी बराबर कीमत की सतह टी बराबर मुबादला या लेन देन वाई बराबर माहूल या आमदनी अगर वी और वाई साकिन हो तो क्यू टीएम का मतलब है जर की फराहमी में इजाफे की वजह से कीमतों की सतह में इजाफा होगा जर की मांग के नजरिए की हैसियत से क्यू टीएम का मतलब है कि अगर कोई शख्स जर के मकदार अपने पास रखना चाहता है तो वो मकदार उसकी आमदनी के मसावी होगी अगर एम वी बराबर पी वाई तो एम बराबर के पी वाई जहा के बराबर आई वी और जर की मांग के पीवाई के मसावी होगी क्वार्टाइल मेजर्स विच डिवाइड द टोटल सेट ऑफ वैल्यूज इनटू फोर इक्वल पार्ट्स आफ्टर अरेंजिंग द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देर आर थ्री क्वार्टाइल्स। The first quartile Q1 or lower quartile has 25% of the items of the distribution less than it and 75% of the items are greater than it. The second quartile Q2 or median has 50% of items below it and 50% of the observations above it. Third quartile Q3 or upper quartile has 75% of the items of the distribution less than it and 25% of the items above it the first second and third quartiles are also referred to as 25th 50th and 75th percentile respectively map jo ko ghatte kram मूल्यों के कुल सेट को चार बराबर भागों में बांटते हैं प्रथम चतुर्थक Q1 या निम्नतर चतुर्थक में उसके नीचे वितरण की मदों का 25 प्रतिशत होता है और उसके ऊपर 75 प्रतिशत मदें होती हैं दूसरे चतुर्थक Q2 या माध्यिका में वितरण की 50 प्रतिशत मदें उसके नीचे और पचास प्रतिशत मदें उसके ऊपर होती हैं तीसरे चतुर्थक Q3 अथवा ऊपरी चतुर्थक में वितरण की पचहत्तर प्रतिशत मदें इसके ऊपर होती हैं Q1 और Q3 दो सीमाएं बताते हैं जिनके बीच वितरण के केंद्रीय पचास प्रतिशत आंकड़े होते हैं पहले दूसरे तथा तीसरे चतुर्थक को क्रमशः पच्चीसवा पचासवा तथा पचहत्तर शतबक भी कहा जाता है रबाईया, वो पैमाइशें जो कीमतों को बढ़ती या घटती तरतीब में मर्तब करके उनके पूरे सेट को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं रबाइया तीन हैं पहले क्वार्टाइल Q1 या जेर रबाइया में उसके नीचे तकसीम की मदों का पच्चीस फीसद होता है और इसके ऊपर 75 फीसद मदें होती हैं दूसरे क्वार्टाइल Q2 या वस्ती में तकसीम की पचास फीसद मदें उसके नीचे और पचास फीसद मदें उसके ऊपर होती हैं तीसरे क्वार्टाइल Q3 या बालाई क्वार्टाइल में तकसीम की 75 फीसद मदें उसके नीचे और पच्चीस फीसद मदें उसके ऊपर होती हैं। Q1 और Q3 दो हदों को जाहिर करते हैं जिसके दरमियान तकसीम के मरकजी 50% फीसद एदाद और शुमार होते हैं पहली दूसरी और तीसरी क्वार्टाइल को भी 25वीं, 50वीं और 75वीं फीसद कहा जाता है पेज वन टर्सीम दैट इज अर्न बाई अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन ओवर एंड अबव वॉट इट वुड हैव अर्ड इफ इट्स सप्लाई वॉज परफेक्टली इलास्टिक क्वासीट इमर्ज इज ड्यू टू फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट टर्म आभासी लगान उत्पादन के एक साधन के द्वारा अल्प काल में पूर्ण तथा लोचदार पूर्ति की स्थिति में अर्जित की जा सकने वाली आय के अतिरिक्त अर्जित आय आभासी लगान अल्पकाल में उत्पादन के साधनों की पूर्ति की स्थिरता के कारण उत्पन्न होता है क्वासी रेंट यह वो इजाफी आमदनी है जो मुख्तर मुद्दत में किसी आमिल यानी फैक्टर के मुकम्मल लोज के जरिए कमाई जाती है ये कुल आमदनी और कुल मतगिररिया लागत के दरमियान फर्क को बतलाती है जबकि एक मुसाबकती फर्म आम आमदनी से ज्यादा कमाई करती है क्वासी रेंट यानी नीम लगान तवील मुद्दत में गायब हो जाता है क्योंकि तमाम अवामिल तवील अरसे में मुतगीर हो जाते हैं ये पैदावार के महज इंसान साख्ता अवामिल से ही मुंसलिक होता है क्विड प्रो क्यू प्रपोर्शनेट बेनिफिट इन रिटर्न ऑफ सम पेमेंट प्रतिदान किसी भुगतान के बदले में आनुपातिक लाभ मुआवजा बदल किसी अदायगी के बदले में मुतनासिब नफा कोटा फर्स्ट लिमिट इम्पोज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इम्पोर्ट कोटाज मे बी यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मेंटेन डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सपोर्ट कोटाज मे बी यूज टू स्टेबिलाईज एक्सपोर्ट अर्निंग्स To regulate internal supply, etc. Second, the amount of certain commodities allocated to a particular person or organization which are in short supply under the system of rationing. For example, supply of kerosene, sugar, rice, etc. under the public distribution system. Niyatanj Kota Pela. एक दी गई समयावधि के लिए आयात या निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा पर लगाई गई सीमा आयात कोटा का उपयोग देशीय उद्योगों की सुरक्षा देशीय कीमत स्थिरता बनाए रखने इत्यादि के लिए किया जा सकता है निर्यात कोटा का उपयोग निर्यात कमाई को स्थायी करने आंतरिक पूर्ति को नियंत्रित करने इत्यादि के लिए किया जा सकता है दूसरा किसी विशेष व्यक्ति अथवा संस्था को राशन तंत्र के अंतर्गत आवंटित कुछ वस्तुओं की मात्रा जिनकी आपूर्ति कम हो उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कैरोसेन तेल चीनी चावल इत्यादि की पूर्ति कोटा एक एक दिए गए वक्त के लिए दरामद या बरामद की जाने वाली अशिया की मिकदार पर लगाई गई हद दरामदाती कोटे का इस्तेमाल घरेलू सनातों के तहफ़ के लिए और घरेलू कीमत को कायम रखने वगैरह के लिए किया जाता है जबकि बरामदाती कोटे का इस्तेमाल बरामदाती कमाई को कायम रखने के लिए और दाखिली रसद को बाजाबता बनाने के लिए किया जाता है दो राशन निज़ाम के तहत उन अशिया की मिकदार जिनकी रसद कम हो किसी शख्स या तंजीम के लिए मुख्त करना मसलन पीडीएस के तहत मिट्टी का तेल चीनी और चावल वगैरह यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉक्टर निर्जा रश्मि प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटी लैंगलिंगडो फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो production coordination Vandana Arimardan assistance in production Amit Kumar produced and directed by Vimlesh Chaudhary, and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi India